गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और बहुत सारे बच्चे शायद इस चीज़ को लेके बहुत कंफ्यूज होते हैं कॉलेज लेने के टाइम पे कि हमें अपने स्टेट का कॉलेज लेना चाहिए या फिर हम किसी एम्स के लिए जाएं। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे बच्चों का ये मेरे पास डाउट आ रहा था, तो मैंने सोचा एक वीडियो बनानी चाहिए जिस पे मैं आपको प्रोज एंड कॉन्स बताऊँ एम्स लेने के। और यहाँ पे हम एम्स दिल्ली की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एम्स दिल्ली तो सबको पता है कि इज़ द टॉप मोस्ट कॉलेज ऑफ आर कंट्री। और एम्स दिल्ली के लिए आई डोंट थिंक कोई बच्चा फॉर अ सिंगल सेकेंड ये सोचता भी होगा कि हम एम्स दिल्ली छोड़ के कोई और लेंगे। सो एम्स दिल्ली हम इसमें इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। इसके अंदर हम लोग इंक्लूड करने वाले हैं जो ऑल अदर एम्स हैं और बाकी जो स्टेट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं। तो क्या डिफरेंस है और क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं? अब मैं आपके लिए डिसीजन यहाँ पे नहीं ले सकती हूँ, मैं बस आपको प्रोज एंड कॉन्स बताऊंगी, उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हो कि आपके लिए क्या बेस्ट रहेगा। और कहीं पर भी मैं ये नहीं बोलूंगी कि ये कॉलेज बेटर है या ये अच्छा नहीं है या बुरा है। सारे कॉलेजेस अच्छे होते हैं, प्रायोरिटीज़ होती हैं, कहीं पे कोई फ़ायदा है कहीं पे कोई फ़ायदा है, तो वो आपको अपने लिए डिसाइड करना है कि आपके लिए क्या बेस्ट रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टेट कॉलेजेस और एम्स के लिए जो मुझे सबसे बड़ा एक एडवांटेज और डिसएडवांटेज लगता है वो ये है कि अगर आप लोग स्टेट का कॉलेज चूज़ करते हो तो वहाँ पे आपको स्टेट का पीजी कोटा भी मिलता है। लेकिन वंस यू चूज़ एम्स, कोई और एम्स अगर आप चूज़ कर लेते हो, तो वहाँ पे जो आपको कोटा मिलता है फॉर एम्स, दैट इज़ वेरी नॉट वेरी सिग्निफिकेंट। और स्टेट का जो पीजी कोटा है वो आप लूज़ कर देते हो। यानी कि जब आप अगर एम्स के बाद आप पीजी के लिए आप पीजी का एंट्रेंस देते हो, तो वहाँ पे यू आर ओनली ऑल इंडिया कोटा वाले स्टूडेंट। जैसे अगर आप नीट के लिए बात करो, वैसे ही आप एम्स के बाद आपको ऑल इंडिया कोटा से ही सीट्स मिलेंगी और स्टेट के लिए आपका कोटा लूज हो जाएगा। तो ये मुझे एक बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज कहीं ना कहीं लगता है, जो मुझे लगता है थोड़ा एक कॉन हो सकता है अगर आप कोई एम्स चूज करते हो। तो उसके बाद जैसे अगर आप स्टेट कॉलेज चूज करते हो तो उसके अपने फायदे हैं कि जैसे कि आपकी अपनी स्टेट में कॉलेज है, आपको ज़्यादा दूर भी नहीं जाना पड़ेगा, आपका लैंग्वेज कल्चर वो सब कुछ सेम है, तो वो एक थोड़ा सा बेनिफिट होता है यहाँ पे आपको। जैसे अगर आप कोई और एम्स जाते हो तो आपको थोड़ा दूर जाना पड़ रहा है, ट्रैवल करना पड़ रहा है और एक नई जगह पर जाना है, तो एडजस्ट करने में शायद आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगे, बट दैट इज़ अप टू यू। मैं ये नहीं बोलूँगी कि ये गलत है, आपको करना नहीं चाहिए, मैं आपको सिर्फ डिफरेंसेस बताना चाहती हूँ। उसके बाद पीजी कोटा वाला मैंने आपको बात बता दिया। अब क्या होता है कि जैसे एम्स जो है वो नए बने हैं, मैं एम्स जैसे अब एम्स जोधपुर, भुवनेश्वर, एम्स भोपाल थोड़े फिर भी पुराने हैं, लेकिन कुछ एम्स हैं जो बिल्कुल अभी नए बने हैं। तो उसके कंपैरिजन में अगर आप टॉप स्टेट कॉलेजेस की बात करो तो टॉप मोस्ट स्टेट कॉलेजेस काफ़ी ज़्यादा पुराने हैं और बहुत एस्टैब्लिश्ड हैं। तो क्या होता है कि मोस्टली अगर आप हम बहुत जनरल अगर टर्म्स में बात करें तो MBBS इतना मैटर नहीं करता है कि आपने कहाँ से किया है, मैटर करता है कि आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कहाँ से किया है। तो बेसिकली क्या होता है कि MBBS तो फिर आप कहीं से भी कर लो, बट पोस्ट ग्रेजुएशन मैटर करने वाली है। तो स्टेट के कॉलेजेस में क्या फ़ायदा होता है कि बहुत हॉस्पिटल जैसे हैं जहाँ पेशेंट फुटफॉल बहुत ज़्यादा है, पेशेंट इनफ्लो बहुत ज़्यादा है, क्लिनिकल एक्सपोजर आपको बेटर मिलेगा क्योंकि बहुत पुराने कॉलेजेस हैं, बहुत पुराने एस्टैब्लिश्ड हॉस्पिटल्स उनके साथ होते हैं। तो अगर टॉप मोस्ट स्टेट कॉलेज की बात की जाए और एक नए एम्स की बात की जाए, तो आपको टॉप मोस्ट कॉलेज को, जो स्टेट का आपका कॉलेज है, उसको आई थिंक ज़्यादा प्रेफरेंस देनी चाहिए। बाकी द डिसीजन इज़ योर्स। और अगर ऐसा हो रहा है, मान लो कि आपको स्टेट में कोई ऐसा कॉलेज मिल रहा है, कुछ बहुत अच्छा कॉलेज नहीं है, थोड़ा कम का कॉलेज मिल रहा है आपको जो स्टेट में, जिसकी रैंक थोड़ी कम है, तो आप अगर, और आपको एम्स में आपको एक ऑप्शन मिल रहा है, तो फिर आप एम्स वहाँ पे चूज़ कर सकते हो। तो ये एक ऑप्शंस हैं जो आप सोच सकते हो कि क्या क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं जो आपके लिए बेस्ट सूट करेंगे। उसके बाद ये सबसे बड़ा फैक्टर है, पेशेंट इनफ्लो भी बहुत अच्छा होता है। अब एम्स पर आते हैं, तो एम्स के अंदर मुझे जो पता चला है, मैंने अपने दोस्तों वगैरह से बात की है, तो वहाँ पे क्या है कि रिसर्च पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देते हैं शुरू से ही, और एकेडमिक्स भी ज़्यादा बोलते हैं कि ज़्यादा बेटर है। ऐसा बोला जाता है कि फैकल्टी रेशो एम्स में बेटर है, और जो फैकल्टी है उसको मतलब उनको क्या करना होता है, उनको उनका फोकस मेनली स्टूडेंट्स पर ही रहता है, क्योंकि दे कांट प्रैक्टिस। अगर वो एम्स में एक प्रोफेसर है तो दे कांट प्रैक्टिस, वो आपको, उनका पूरा फोकस आपकी पढ़ाई पर ही रहेगा और स्टूडेंट्स पर ज़्यादा उनका फोकस रहता है। फैकल्टी रेशो भी ज़्यादा है, और अगर आप एम्स में चले जाते हो तो बहुत ऑब्वियस ही बात है कि आपके पास एक एम्स का टैग भी लग जाता है कि आप एक एम्सोनियन हो। सो दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड थिंग जो एम्स वाले बच्चों के साथ होता है। जो एडवांटेज डिसएडवांटेज है वो मेनली यही है कि आप स्टेट का पीजी कोटा आप लूज़ कर देते हो, और क्या है कि वो नए बने हैं। अगर आप कंपेयर करोगे कि एक पुराने, बहुत पुराने 100 साल पुराने मेडिकल कॉलेज से और एक ऐसा कॉलेज जो अभी 10-15 साल पहले बना है, तो वहाँ पे थोड़ा बहुत फ़र्क यहाँ पर आ जाता है कि अभी नया बना है और ये थोड़ा पुराना है, एस्टैब्लिश्ड है। और साथ में क्या है कि क्योंकि एम्स सारे सेंट्रली फंडेड होते हैं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं, इक्विपमेंट्स बहुत अच्छे हैं, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं, प्रॉपरली बने हैं, बड़े बड़े कैंपसेज हैं। जबकि एक अगर हम नॉर्मल स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें तो वो बहुत पुराने हैं, बिल्डिंग्स पुरानी आपको दिखेंगी, तो ये फर्क आ जाता है वहां पर।
उसके बाद यह है कि इंटर्नशिप, एक जो मुझे और नया फैक्टर पता चला था वो ये था कि क्योंकि एम्स जो है वो एक ऑटोनोमस बॉडी है, तो जो उनके प्रोफ्स होते हैं और उनका जो एग्ज़ाम लेने का पैटर्न है उससे क्या होता है कि इंटर्नशिप के टाइम पे थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम मिलता है एम्स वाले बच्चों को टू प्रिपेयर फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन, जबकि जो स्टेट मेडिकल कॉलेजेस हैं उनमें एक अप्रोप्रिएट टाइम मिलता है, लेकिन जो एम्स ओनियन अगर आप एम्स से कर रहे हो तो इंटर्नशिप में आपको थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम मिलता है टू प्रिपेयर फॉर योर पीजी एंट्रेंस एग्जाम। तो ये भी कुछ फैक्टर्स हैं जो मुझे पता चले थे, एंड आई होप इससे आपका थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन शायद क्लियर हुआ हो, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि कुछ फैक्टर्स हो सकता है, बहुत सारे बच्चों को ये बात नहीं पता थी कि स्टेट पीजी कोटा हम लूज़ कर देते हैं या पीजी सीट्स का क्या होता है, तो ये सब चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए जब आप अपना एक कॉलेज चूज़ करते हो। तो आई होप आपके काफ़ी कन्फ्यूजन्स क्लियर हो गए होंगे, और ऐसे ही मैं आगे और भी वीडियोज़ बनाती रहूँगी, सो आप ये चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लो, और अगर आपको कोई और डाउट्स हो या प्रॉब्लम्स हो, आपको लगता हो मुझे उस पर और वीडियोज़ बनानी चाहिए, तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। सो सी यू गाइज, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड स्टडी स्मार्ट।